हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार कल्याण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनिल द स्टार। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि मोबाइल से फ़ोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा। तो जो अपना बैकग्राउंड है वो हम पिक्सी प्रो ऐप में ले आए हैं। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। और जो भी मैं PNG बैकग्राउंड वगैरह जिनका भी यूज़ करूँगा, उनकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कटआउट है उसे ले आते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा कटआउट है उसे हम ले आते हैं। तो इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। करने के बाद राइट पे क्लिक कर देंगे। राइट पे क्लिक करने के बाद कोई एक्स्ट्रा पार्ट रह गया है तो आप इसे यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। अगेन राइट पे क्लिक, नो पे क्लिक, इफेक्ट पे क्लिक, इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक। अब जो हमारी कैप है उसकी PNG ले आते हैं। तो इनकी लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हो। इफेक्ट में जाना है, इंसर्ट पिक्चर में जाना है। अब यहां आपको जो हमारा हथौड़ा है इसकी PNG ले आते हैं। तो इसे हम हाथ में राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक बार रिमूव कर लेते हैं। रिस्टोर पे जाने के बाद आपको धीरे धीरे रिस्टोर कर लेना है। बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करना है ताकि बिल्कुल फ़ोटो है जो हमारी अच्छी लगे। करने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अगर कटआउट सेव करना चाहते हो तो यस पे क्लिक, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो पे क्लिक करना है। तो मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब जो हमारी फ़ोटो है इसे हम Lightroom ऐप में लेके चलेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमारे पैरों के जो शेडो होती है शेडो को लगा लेते हैं। तो इंसर्ट के पिक्चर पर क्लिक करना है। इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करने के बाद शैडो की भी PNG आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओपेसिटी थोड़ी कम कर देना। नो पे क्लिक और इफेक्ट इंसर्ट पिक्चर में जाना है। एक बार शेडो फिर ले आते हैं ताकि जो हमारा दूसरा पैर है उसके पास भी हम लगा सकें। राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद अगेन राइट पे क्लिक और नो पे क्लिक। इंसर्ट पिक्चर में जाना है। इंसर्ट पिक्चर में जाने के बाद आपको जो सूरज की PNG है उसे हम ले आते हैं। तो इसे हम यहाँ पर
कट कर लेते हैं, ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेते हैं। तो राइट पे क्लिक और नो पे क्लिक, एक्सपोर्ट में क्लिक करने के बाद आपको इसे लाइट रूम में ले चलते हैं। तो चलिए लाइट रूम में चलते हैं। तो हम हमारी फ़ोटो लाइट रूम में लेकर आ गए हैं। तो चलिए लाइट रूम में अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑटो पे क्लिक कर लेते हैं ताकि ऑटोमेटिक जो लाइटिंग है जो सिलेक्ट हो जाए। तो अब लाइट पे क्लिक करना है, राइट पे इसे -10 और वाइट को हम कर देते हैं 32, शेडो को हम कर देंगे 23, कॉन्ट्रास्ट 5, 34, 15। अब कलर पे टैप करना है। कलर पे टैप करने के बाद इसे हम 6 रखेंगे और सैचुरेशन को लुमिनेस 15 रखनी है, वाइब्रेंस 15 रखनी है। अब मिक्स पे क्लिक करना है, इसकी जो सैचुरेशन है बिल्कुल -100 कर देनी है, इसकी भी सैचुरेशन बिल्कुल -100, इसकी -100 और ह्यू है जो 21 और 29, सैचुरेशन -100, सैचुरेशन -100, माइनस। डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक के बाद ग्रेडिंग पे क्लिक करना है और शेडो पे क्लिक करना है। हाईलाइट और 44 के करीब रख लेते हैं। डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद जो हमारी फोटो है वो तैयार हो जाएगी और अब इसे हम सेव कर लेते हैं।